याद रखना बेंजामिन, अच्छी तरह सिखाई के लिए लगातार घुमाना जरूरी है। ये देखो, मैं ऐसे पका रहा हूँ और आप मुझे पका रहे हैं। लाजवाब। हाँ, ये आराम और ऐसी शाम, कितना मजा आ रहा है। तुम्हारी कजिन ग्वेन ने कितना कुछ मिस कर दिया। वैसे भी हम तो उसके बिना ऐश को कैश करते हैं। ए बेन, तुम्हारा पनीर जल रहा है। थैंक्स दद्दू, सॉरी, अब शायद जला हुआ खाना पड़ेगा। हे, कोई बात नहीं बच्चे। तुम्हारे और तुम्हारी घड़ी के साथ इस जंगल में सब मंगल ही मंगल है। तू पीछे देखो। क्या? नहीं, पनीर को पिचका दिया। तू हट जाओ बड़ेरिया। ए, मुझे ऑर्डर देने वाले तुम कौन हो? दत्तू, ओए अंतरिक्ष से आए घोचू कछुए, या तुम्हें ओमनीट्रिक्स की चलती फिरती दुकान कहो। तुम्हारे पास है तो देखो, मेरे पास भी है। अब चक्कर बनकर तुम्हें घन चक्कर बनाऊंगा। घन चक्कर तो तुम हो। तगड़ा शॉट था। जितना लड़ोगे उतना पिटोगे। डायलॉग अच्छा था, पर आप बात नहीं, मुक्का लात होने वाली है। तुम मेरे काम में रुकावट हो। मुझे तुम्हारी पपक और पपक नहीं चाहिए। मैं इस लकड़ी के साथ तुम्हें मकड़ी की तरह मसल दूंगा। तुम मेरे नाम कैसे जानते हो? दद्दू को मारा तुम्हें तो मैं क्यों गए ना। रुको, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी तकदीर हूँ। रुको, मेरी चटनी बनाओगे क्या? बेन, नहीं। तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ छुड़ेलिया, इसे मेरा एहसान समझना। ओ नहीं, फिर से नहीं। कौन है आप? दद्दू? दद्दू नहीं हूँ। चलो बताओ यहाँ क्या हुआ है। वो ओमनीट्रिक्स ले गया। उसने तुम्हारे हाथ पर निशान लगा दिया। हिलना मत, बस थोड़ी सी झंझनाहट होगी। लो, पहले जैसी हो गई। ये तो मैजिक है। मॉलिक्यूलर रीजनरेटर मैजिक तो है, पर साइंस का मैजिक है। इजी पीजी। मानो या ना मानो, पर मैंने तुम्हें इसे भी बुरे हाल में देखा है। मेरा मतलब खुद को देखा है। वैसे थोड़ा अजीब लग रहा है। दद्दू, मुझे तो लगा उसने आपका कद्दू बना दिया। अब तुम दोनों ठीक रहोगे। हाँ, बस तुम्हें थोड़ी सी, मुझे अचानक से कैरमल क्रंच चिप्स खाने की भूख लग गई। हाँ, तुम्हारा उटपटांग चीज़ खाने को मन करेगा। रुके, वो कौन था? मुझे मेरा ओमनीट्रिक्स वापस चाहिए। माफ करना बेन, पर तुम्हारा ओमनीट्रिक्स बहुत दूर जा चुका है, हमेशा के लिए। कैप्टन लॉगन, मैक्सिमिलियन टेनिसन, मेरी इंटर डिमेंशनल आईडी है 120415। एक दूसरे डिमेंशन के बैन पर फिर से हमला हुआ। वो जीव एलियन एक्स और ओमनीट्रिक्स ले गया।
लेकिन कम से कम ये वाला बैन तो बच गया। तुम्हें लगता होगा कि अब तक मुझे इसकी आदत पड़ चुकी होगी। खैर छोड़ो, अब मेरे अंदर बदले की भावना नहीं बची। अभी और बैन बचाने और कई ओमनीट्रिक्स दांव पर लगे हैं, उन्हें एलियन एक्स से बचाना है। सोचना पड़ेगा वो मुझसे एक कदम आगे कैसे रहता है। ऐसी डिमेंशन ढूंढो जहां वो अभी पहुंचा नहीं, वहां पहुंचकर उसका इंतजार करना होगा। मिल गई, आईडी नंबर है 27998.3। पैरासाइट्स का हमला, लगता है इस डिमेंशन में पार्किंग अलाउड नहीं है। ठीक है, तुम्हें शिप चाहिए तो ले लो। शिप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्ट होने वाला है। चलो तैयार हो जाओ ज़ॉम्बोज़ो, शॉक रॉक अटैक। पहले तुम्हें ये रस्सी खोलनी चाहिए बैन। तुम्हें कितनी बार कहा है रस बकेट के अंदर रहो, तुम्हारी टांग अड़ाने की आदत नहीं जाएगी। मुझे इससे बदला लेना था भाई। इस शैतान जोकर ने तद्दू को हिप्नोटाइज किया, इसने मुझे बर्थडे वाले घटिया बलून से उड़ा दिया था। लड़के, वो बलून बहुत महंगे थे। और अब ये आधम का है रस्ट बकेट को चुराने फिर से। तुम इतने जिद्दी क्यों हो यार, तुम्हारे पास खुद की कोई गाड़ी नहीं है? मेरी छोटी सी गाड़ी में कबाड़ी भी ना बैठे, और मेरा रूममेट रैंडी अपना जिम बैग भी उसी में रखता है, और मेरा बड़ा सा पेट उसके छोटे से गेट में नहीं घुसता। पर बड़ी गाड़ी खरीदने के मेरे पास पैसे है। क्या हुआ, पप्पा ने नहीं बताया करंट को छुओगे तो थप्पा हो जाओगे? अरे तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। ये मुँह और मसूर की दाल, तुम्हारी साइंस के फटीचर टीचर ने ये नहीं सिखाया कि रबड़ में करंट पास नहीं होता? मुझे लगा कि ये ग्लव्स रबड़ के नहीं ऊन के होंगे। जून की गर्मी और ऊन के गलव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये घटिया भी है, मैंने ये ऊंची दुकान से खरीदे हैं। इसका कार्ड भी इतना कड़क है कि उप्स। लड़ना है तो लड़ो, टाइम वेस्ट मत करो। जो नहीं लड़ते उनका मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट बना देता। दद्दू, मेरी फिक्र मत करो प्यारी ग्वेन, मैं हिप्नोटाइज्ड नहीं हूँ, मैं तो एकदम भला चंगा हूँ। ये तो तुम्हारा पेस बनवा देंगे। ठीक है ज़ॉम्बोज़ो, अब मैं तुम्हारी खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाऊंगा। दद्दू होश में आइए प्लीज। ओह हेलो ग्वेन, एक सेकंड के लिए झपके लग गई थी। मुझे सपना है कि ज़ॉम्बोज़ो ने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया और फिर रस पकेट को चुराने की कोशिश करने लगा। ये दद्दू भी कितना बुद्धू हो गया है, कहीं मेरा सपना सच तो नहीं हो गया बेटा। चलो अब बच कर दिखाओ। रस पकेट को क्या हुआ, तेज चलती गाड़ी पर लड़ने का मजा ही आ रहा था कि रुक गई। लड़ाई का मजा ही किरकिरा हो गया ना। लड़ाई खत्म हो गई। सही बगड़े, हमारी टीम ने एक बार फिर से ड्रीम की क्रीम बना दी। अब इसके पोस्टर्स और मेमे पुलिस बनाएगी। टीम टेनिसन जिंदाबाद। कितनी बोरिंग जीत है। ओ, उस खड़ी पहनने वाले ने मुझे हथकड़ी पहना दी। आया था उसकी गाड़ी लेने और जा रहा हूँ पुलिस की गाड़ी में। अब सुनो बच्चों, अब हिंदी का सफर करना है, इंग्लिश वाला नहीं। बताओ कहाँ चले। हमने अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा कौन नहीं देखा, 50 फीट लंबा। क्यों ना सबसे बड़ा एक सलाड देखने चले बच्चों। अभी बताओ बेन, छुट्टियाँ खत्म होने से पहले तुम क्या देखना चाहते हो? हाँ, मैं अपने टैबलेट में सुमो स्लैमर्स का नया हाई स्कोर देखना चाहता हूँ। कब तक छिपकली की तरह स्क्रीन से चिपके रहोगे? प्रिंसल हॉल ऑफ फेम देखने चले? बोलो भी बेन, तुम्हें प्रेट्सल्स पसंद है ना? अब वो पकाओ लगते हैं। अब बता भी दो क्या परेशानी है। शायद मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। पर हम ब्रेक पर ही तो हैं,
गर्मी की छुट्टियाँ, शायद मुझे इस ब्रेक से ब्रेक चाहिए। दुनिया घूमने और दुनिया बचाने के चक्कर में हम अक्सर थोड़ा थक जाते हैं बच्चों। मैं थका नहीं हूँ दद्दू, मैं बस। अब ये मत कहना तुम बोर हो गए। हाँ नहीं कहूँगा, पर शायद मुझे अपना कुछ करना है, समझी। जब से तुम्हें ये घड़ी मिली है तब से किसी और के लिए टाइम ही नहीं है। घड़ी मिलते ही तुम्हारे तेवर ही बदल गए भाई। अब क्या हुआ, हीरो बनने से दिल भर गया क्या? या हम दोनों से दिल भर गया है? कुछ तो बोलो। मुझे गलत मत समझो प्लीज, मेरे एलियन सच में कमाल के हैं, पर उनके पावर का धमाल नहीं दिखा पाता क्योंकि तुम टपक पड़ती हो बीच में। तो इसमें गलत क्या है, मदद लेने देने में शर्म नहीं करनी चाहिए? नहीं चाहिए मदद, मैंने कभी मदद मांगी भी नहीं। जो भी मुझसे टकराएगा मैं उसे निपट लूंगा। नाम लिया और मुसीबत हाजिर। अब फिर से मरम्मत करवानी पड़ेगी बच्चों। थैंक्स दद्दू। वो चमकीले चेहरे वाला है कौन? नो आइडिया, पर उसने रस पॉकेट को उल्टा पुल्टा कर दिया है। डोंट वरी, अब मैं उसे उल्टा पुल्टा कर दूंगा। बैंड रुको। क्या चाहते हो चमकीले? एक मिनट, ये तो ओमनीट्रिक्सेस है। सही पहचाना, और जल्दी ही तुम्हारा वाला भी मेरे पास होगा। लगता है तुम लातों के भूत हो। जो ज्यादा बोलते हैं ना, मैं उनका ढोल बजा देता हूँ। अंकल ये क्या कर रहे हो? ये तो पावर का टावर है, कुछ करना पड़ेगा। टाइम आउट अच्छी बात नहीं है, टाइम इन अजीब है, लेकिन काम चला लेंगे। अब बोलो हाय कर्मी। इसे तो टेलीपोर्टेशन भी आता है। ओ, खुद को बड़ा तेज समझते हो? मुझसे तेज नहीं हो। फिर से टाइम आउट। इसकी पावर तो खतरनाक है यार। हो गया टाइम इन, अब दिखाता हूँ कौन तेज है। एक्सेलरेट। ओ, मैंने एक्सेलरेट मांगा था, लेकिन ह्यूमंगस और भी कुछ कम नहीं है छोटे सरकार। ये क्या? हाँ समझ गया, तुम कोई पहुंचू ही चीज हो, तो क्या डर जाऊं मैं? ना चाहिए, हम इंफिनिट हैं। तुम सिर्फ बड़ बोले हो। बहुत खूब, अब हमारी बारी है। हमारी? उसे हजम हो या नहीं, पर उसे मदद चाहिए। हम क्या मदद कर पाएंगे? दद्दू वो देखो, वो ट्रक आ रहा है, एक आइडिया भी आ रहा है। चलो ग्वेन। टाइम आउट, क्योंकि मैं थक गया हूँ। शर्त लगा लो, तुम्हारे साथ इस दंगल में मजा आने वाला है। अब तुम्हें धोबी पछाड़ करूँगा। तुम भी थक गए होगे ना? चलो टाइम पास के लिए तुम्हें एक कहानी सुना देता हूँ, तरोताजा हो जाओ। एक सुहाने सोमवार की सुहानी सुबह थी, तभी एक बड़ा सा ट्रक तुम पर केमिकल्स डाल देता है। दम है तो बराबर वाले से लड़ो, यानी मुझसे। बड़े भैया नहीं सुधरेंगे। हेलो, तुम हमारी महा एपिक बैटल को छोड़कर कैसे जा सकते हो? बेन, भागो यहाँ से जल्दी। चुपचाप चलो। अब इससे कौन जुड़वाएगा? पता नहीं वो काला हिरन कहां से आ गया। ये तो हिरन नहीं लग रहा, ये तो भूत लग रहा है। अब क्या करूं? पर वो था कौन दद्दू? हाँ, वो
जो भी था उसे लड़ने के लिए 10 हाथियों की ताकत चाहिए। आप बीच में नहीं आते तो मैं उसके छक्के छुड़ा देता। तुमने पूरी कोशिश की पर उसके कान पर जू तक नहीं रेंगी। हमने तुम्हें बचाया। तुमने मुझे बचाया? वो मेरे आगे भीगी बिल्ली थी। बिल्ली नहीं, वो बिलौटा था और तुम उसके आगे कांपते हुए चूहे लग रहे थे। विलजैक से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसका छुरा नहीं बनाया तो मेरा नाम बेंजामिन नहीं। बस बहुत हुआ, ग्वेन सही कह रही है बेन, सूझबूझ से काम लो। उसके पास तुम्हारे जैसी कई घड़ियां हैं, ये सोचा समझा हमला है। क्या आप दोनों को वो कुछ जाना पहचाना सा नहीं लगा? हाँ, वो विलन था। इन छुट्टियों में कई विलन लड़ने आए थे। उसके साथ हेलाने जंग करने से पहले हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी। वो फिर आ गया दद्दू। मेरा तो पूरा जबड़ा ही हिल गया। ये कैसा घोटाला! दूसरे दद्दू, ये ही समझ लो। मेरा नाम है मैक्सिमिलियन, पर तुम मुझे मैक्सिमस कह सकते हो। मिलकर खुशी हुई मैक्सिमिलियन, देखे देखे लग रहे हो। मैं हूँ मैक्स टेनिसन, पर दुनिया मुझे दद्दू बुलाती है। मैं तुम्हें दद्दू नहीं कहूँगा। सुनिए, आपकी धांसू एंट्री ने हम सबको हिला कर रख दिया है। जानता हूँ, लेकिन इनका लुक तो देखो कितना स्टाइलिश है। कपड़े भी मस्त और सेहत जबरदस्त है, जैसे कि कोई फ्यूचर दद्दू दूसरे डिमेंशन से। पर सही पहचाना, तुम वाकई बड़ी होशियार हो। मुझे बातों के गोलगप्पे नहीं खाने। बातें जरूरी है बच्चे, ओमनिवर्स का भविष्य दांव पर लगा है। क्या कहा? ओमनिवर्स? सारी यूनिवर्सेस को मिलाकर ओमनिवर्स बनता है और एलियन एक्स उन सभी में तूफान मचाना चाहता है। एलियन एक्स? एक्स का मतलब रहस्य है या फिर रोमन नंबर 10? ठीक है, मेरी बात सच्ची नहीं है। उसे एक रहस्य ही समझो। वो एक ही मकसद के लिए और डिमेंशंस में घूम रहा है और वो लालची हर ओमनीट्रिक्स पर कब्जा जमाना चाहता है। मैंने अपने बेंजामिन को बचाने की लाख कोशिशें की पर नहीं बचा पाया। आपका बेंजामिन? क्या हुआ उसे? हाँ? हमें भागना होगा, वो बहुत पावरफुल है। घबराओ मत मैक्स, मैं संभाल लूंगा। बेंजामिन, मैं उसे नहीं बचा पाया पर तुम्हें बचाऊंगा। तो आप एलियन एक्स के पीछे हैं? बढ़िया, मुझे कुछ टिप्स दीजिए ना कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ बेंजामिन। जब तक तुमने ये ओमनीट्रिक्स पहना है, एलियन एक्स हमला करता रहेगा और अगर उसने तुम्हें दोबारा पकड़ लिया तो मैं उसे रोक कर ही रहूंगा हमेशा के लिए। वैसे दद्दू, ये बिल्कुल आपके जैसे हैं, बस गुस्से वाले हैं। मेरा गुस्सा तुमने अभी देखा नहीं। मैं कोई चारा नहीं हूँ, मैं इस डिमेंशन का हीरो हूँ जो एलियन एक्स को रोकेगा, और मैं नहीं चाहता मेरी जंग में कोई दखल दे। मत उछलो बच्चे, पिछली बार तुम किस्मत से बचे थे। किस्मत से नहीं, अपनी हिम्मत से बचा था। अब बस भी करो दोनों। न जाने कितने पेन उससे हार गए। मैं तुम्हें नहीं हारने दूंगा, मैं बस तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। वो आ गया, भागने का मौका गवाना मत वरना दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी बात मानो बेन, स्टाइलिश झूठ नहीं बोलते। तो सही कह रहे हैं, हमें सोचने के लिए टाइम चाहिए। मैंने कहा ना, मैं उसे रोकूंगा। लो, वो आ गया। हेलो। दूसरी मंजिल पर जल्दी चलो। ये जंग तो जल्दी ही खत्म हो गई। जंग अभी शुरू हुई है। भागो बेन, भागो। ये चीटिंग है, भागने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, लेकिन अब भागने की जरूरत नहीं मुझे। हो जाए, राउंड टू। रात बिगाड़ेगा तुम्हारा मैच। कैसी लगी एलियन एक्स?
देखी रात की ताकत? मुझे हराना नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही मेरे पंजों का काम है। तो धोबी कपड़ों को भी नहीं धोता। लड़ने में तुम बाकी बेट डेनिसन से 100 ग्राम ज्यादा ही थे, पर उतना काफी नहीं है छोटे मियां। हारना ही तुम्हारा मुकद्दर है। मुकद्दर बदल भी सकता है शैतान। हाँ, लड़के को छोड़ दो। बहुत देर कर दी बड़े मियां मैक्स। नहीं, मेरी घड़ी, ये सच नहीं हो सकता। ये कोई सपना नहीं है बच्चे। नहीं बेन, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मेरी घड़ी वो ले गया, पर कैसे? हारने पर निकल जाता है। हर डिमेंशन के ओमनीट्रिक्स में ये फीचर नहीं होता। मैं इसे पहले भी देख चुका हूँ। शुक्र मनाओ उसके साथ तुम्हारी जान नहीं गई। शुक्र मनाओ, मेरा सब कुछ जला गया। आपको मेरी घड़ी वापस दिलानी होगी। नहीं दिला सकता, तुम्हारी जिद की वजह से वो एलियन एक्स अपना मंसूबा पूरा करने से बस एक कदम दूर है। एक ना एक रास्ता हमेशा खुला होता है। वो डिमेंशन कैसा रहेगा जहाँ बेन को अभी तक घड़ी मिली ही नहीं? वहाँ पहुँच कर तुम उसे लेकर वापस आ सकते हो। इतना भी आसान नहीं है। आसान होता भी तो अब मैं यहाँ फंसा हूँ। एलियन एक्स की तरह मैं बिना किसी सहारे ओमनिवर्स में यहाँ वहाँ नहीं जा सकता। मेरा शिप डिस्ट्रॉय हो गया, उसके साथ में मेरा पोर्टल जनरेटर भी। क्या तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं है? भविष्य से फिल या किसी और को नहीं बुला सकते क्या तुम? मैं फ्यूचर से नहीं, दूसरे डिमेंशन से हूँ, और ओमनिवर्स में ऐसी कोई डिलीवरी सर्विस नहीं है जो पलक झपकते ही मदद पहुँचा दे। ये कौन है? ये क्या है? वो एक और डायमंड हेड। यहाँ किस लिए आए हो क्रिस्टल सेपियन? मुझे क्रोमास्टोन बुलाओ, और मैं किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया मैक्स और दूसरे मैक्स। तुम मुझे कैसे जानते? मेरा मतलब हमें। तुम कभी ये एलियन बने नहीं होंगे ना? फिकर मत करो, तुम अपग्रेड हो जाओगे शायद से। क्या तुम मैं हो? नामुमकिन। Hey, तुम तो चुप ही रहो, और इसे, मेरा मतलब मुझे, मतलब इसे बोलने दो। तुम्हारे पास ये ओमनीट्रिक्स कब से है दूसरे डिमेंशन वाले बेन? ओह, शायद मुझे देर हो गई, वो यहाँ से जा चुका है। तुम एलियन एक्स को जानते हो? हम उसे इस नाम से नहीं बुलाते। हम मतलब प्लम्बर्स। हेलो, किसी को नहीं पता? प्लम्बर्स मतलब इंटरगैलेक्टिक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, और मैं उनमें से एक हूँ। प्लम्बर्स नाम क्यों? शायद ये टॉयलेट भी ठीक करते होंगे। तुम्हारा नाम होना चाहिए था एलियन फोर्स या स्पेस बाहुबली। बातें तो बड़ी दिलचस्प है, पर शायद ये बातें कभी फिर कभी। ये नाम मैंने थोड़ी ना रखा है गाइस। प्लम्बर्स का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। ये पृथ्वी पर शुरू हुई थी, मेरी पृथ्वी पर, एलियन खतरों से लड़ने के लिए। मेरे दद्दू उसके मेंबर थे। तो क्या इसका मतलब हमारे दद्दू भी? कौन मैं? क्या मैं प्लम्बर जैसा दिखता हूँ? लगते तो हो, लेकिन टॉयलेट फिक्स करने वाले प्लम्बर। जब हमें पता चला कि कोई ओमनीट्रिक्स चुरा रहा है, तो मुझे उसके बारे में पता करने भेजा है। तो कुछ खास पता चला? एलियन एक्स जितना तेज टेलीपोर्ट होते हुए मैंने किसी को नहीं देखा है। जब तक मैं उसके पोर्टल में पहुंचता हूं, वो किसी और डायमेंशन में पहुंच जाता है। तुम ओमनीवर्स में घूम सकते हो? तुम तो कमाल हो। नहीं, ये नामुमकिन है। ये मुमकिन मनाता है।
मुझे ही साथ ले लो, मैं मदद कर सकता हूँ। थैंक्स बट नो थैंक्स, ये मेरा मिशन है। मैं उस शैतान के हाथों अपने बेन और ग्वेन को खो चुका हूँ, मैं उसे जीतते हुए नहीं देख सकता। अगर वो वापस आ गया तो? क्यों आएगा, तुम्हारे बेन के पास तो अब ओमनीट्रिक्स भी नहीं है। उसके पास है। मुझे चारा बनाना चाहते हो? ना मैं चारा हूँ ना बेचारा, मुझे यकीन हुआ तुम मेरे जैसे हो। थोड़ा सा यार, ये कितना डिफिकल्ट है। दोनों में से कोई भी एलियन एक्स को अकेले हरा नहीं सकता, तो क्यों ना एक साथ रहो और उसके आने का इंतजार करो। एक बार इंतजार करके देख लिया और हम कामयाब हो भी जाते अगर इस छुटकू ने बात सुन ली होती। सब मुझे ही क्यों बोल रहे हैं? घड़ी जाने तक मैंने पूरा मुकाबला किया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम डरपोक हो। मैंने इसे जिद्दी कहा था और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अब तो मुझे स्टाइलिश कम और खूसट ज्यादा लग रहे हो फ्यूचर से आए मैक्स। लड़ना छोड़िए और सुनिए। हाँ, मुझे नहीं लगा ये काम करेगा। देखिए, यहाँ एक और बेन है जो एलियन एक्स के हमले से हम सबको बचा सकता है। आप इसकी पोर्टल डिवाइस लेकर जा सकते हैं और मेरे लिए ओमनीट्रिक्स ला सकते हैं। आपके आने तक हम एलियन एक्स को उलझाए रखेंगे, फिर हम दो रहेंगे और वो एक। इस बार मैं सबकी मदद लूंगा और एलियंस भी डबल होंगे और पावर भी, और हमारा डबल यानी एलियन एक्स को ट्रबल। इस बार टीम टेनिसन सही ट्रैक पर है। अपने मुंह मियां मिट्ठू। ये रिस्की है, पर मेरे दद्दू हमेशा कहते थे रिस्क लोगे तभी जीतोगे। ये तो मानना ही पड़ेगा कि तुम्हारे दद्दू काफी समझदार हैं। थैंक्स। मैं भी तैयार हूँ जाने के लिए। अब आगे बताओगे चीफ? एक प्लान तैयार है। बताओ बेन। कौन सा बेन? ओ हाँ सॉरी, छोटे वाला जो ज्यादा जिद्दी है। ए! वो जगह बताओ जिसे तुमसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं जानता हो। एड्रेनालैंड, ये मस्त है। अब ये मत कहना तुम्हारे डिमेंशन में नहीं है। हाँ नहीं है। कितना यूजलेस डिमेंशन है। ये पार्क तो बंद है बच्चों, तो अब उस शैतान को लट्टू की तरह कैसे नचाओगे? डोंट वरी, नचा लेंगे दद्दू, ये बच्चों का पार्क है, बड़ों के बेन की ट्रेन यहाँ नहीं दौड़ती। सही बोला बहना। याल एकदम तैयार है। बड़ा अजीब है, हम दोनों एक है पर अलग सोचते हैं। मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है। चलो इतना तो पता चला, टाइम के साथ तुम बेटर हो जाओगे। बड़े बहन, बड़े होकर मैं कैसी बन जाती हूँ? देखो ना पूछो तो ही ठीक। प्लीज बता। कह दो ये लकचड़ी है और इसके सींग उगेंगे। लंबी हो जाओगी और तुम्हें जादू की किताबें पसंद है और उससे ज्यादा केविन भी। केविन, नो वे, ईव। तो फिर मैं छोटी ही ठीक हूँ, थैंक यू। ये तो और भी अजीब बात है। भले ही कोई भी डिमेंशन में हो, एक बात तो साबित हो गई, अपनी टीम सुपर से ऊपर है। बेन, जब मेरी घड़ी वापस आएगी तब ये टीम सुपर होगी। टीम टेनिसन जिंदाबाद। हेलो डियर, क्या हाल है? तुम हॉट डिमेंशन में हो, नंबर। तभी सोचो मेरा घर क्यों नहीं मिल रहा है। थैंक्स एलियन एक्स। जितना मजाक करना है कर लो, जल्दी ही तुम सबका वो हाल करूंगा, हंसना भूल जाओगे, समझे तुम? मैं बेचैन, आओ लेकर जाओ ये खड़ी चमकीले। अपनी खैर चाहते हो तो सरेंडर कर दो और उसके साथ ये सारी घड़ियां भी। मैं सरेंडर नहीं करता, करवाता हूँ। मैं सच का सर काटता हूँ। कहाँ चला गया? चलो दोस्तों, फेज वन खींचो। खींच दिया। मत निकलना, मत निकलना, मत निकलना। ओए छोटे बहन, फेज टू जल्दी शुरू करो, समझ गया? प्लान डूबना नहीं चाहिए।
क्या मारा है? और ये रहा हमारा फेस थ्री। क्या सच में? मैं तुमसे नहीं डरता, बचकाने बच्चे। हे, छोड़ो उसे, तुम्हारे पास उसकी घड़ी है, मेरी ले लो। दूंगा, पर पहले इसका टॉक टाइम खत्म कर दूं। तुम पर रहम करके मैंने गलती कर दी। छोड़ दो मुझे। थोड़ा मुश्किल है। सुना नहीं उसने क्या कहा? छोड़ो उसे। तुम ठीक हो छोटे? रुको, तुम दोनों तो सेम टू सेम हो। सेम नहीं है, घड़ी अलग है। जबरदस्त है, दिमाग के घोड़े दौड़ा तुम्हें भी मिल जाएगी। कौन है वो जो बेन से पंगा ले रहा है? अगर एलियन नेक्स हम दोनों से जीत गया तो आपको ही सबको बचाना होगा। एम्फीबियन, दिखाओ तुम्हें कितना दम है। रोमा स्टोन हासिर है मेरे दोस्त। रोमा स्टोन, एक साथ दो दो ऑब्लिट्रिक्स मिलेंगे मुझे। तुम्हारा ये एहसान एक्स कभी नहीं भूलेगा। दिखाओ अपनी ताकत। मेरे पीछे आओ। ठीक है। सारे बेन इतने ही औसम होते हैं क्या? कुछ होते हैं और कुछ बड़ों का कहना नहीं मानते और उसका अंजाम भुगतते हैं। अब ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। चल जाओ। ठीक हो ना बच्चों? उंगली का फंडा पर छोटा है अपना डंडा। क्वीन, तुम जीनियस हो, पेनी कभी मत बोलना। हमारा डंडा छोटा नहीं पड़ेगा। सुनिए फ्यूचर दद्दू, मुझ जैसे कितने और बेन के पास घड़ी है? है कुछ, क्यों? हमें उन सब की जरूरत पड़ेगी। इस एक बेन को ही मैं कितनी मुश्किल से समझा कर लाया हूँ। हाँ पता है, पर हम मुश्किलों से नहीं घबराते। फिर से जिद कर रहे हो, इस बार तो मेरी सुन लो प्लीज। बेन, कहाँ जा रहे हो तुम? अगर बेन किसी की सुनता है तो वो सिर्फ अपनी सुनता है। बस अभी आया। डरिए मत दद्दू, जब तक आप उसके साथ है उसे कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम्हारी बात में वजन तो है। जायंट व्हील्स मुझे पसंद ही नहीं है। खेल खत्म हुआ बच्चों, इस डायमेंशन में भी बैन हार गया जैसे हर डायमेंशन में हारेगा। छोड़ दो उन्हें, फिर देखते हैं कौन हारेगा। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें वापस देखकर बिल्कुल ठीक हूँ। कभी कभी तुम कितनी अच्छी बातें। बैन के साथ क्वेन भी है। हाँ सही कहा, और हाँ हम बेटर हैं। तुम बिल्कुल सही टाइम पर है फ्यूचर मैक्स। देखो कितने सारे बेंस हैं, असली फैमिली फंडा। छोटे बेन, बातें कम फाइटिंग ज्यादा। एलियन एक्स हम सबकी घड़ी लिए बिना नहीं मानेगा। बेवकूफ कहने से। हे बेवकूफ किसे कह रहे हो? सच में बता दो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टेनिसन हैं। तुम सबको बोल रहा हूँ, तुमने मेरे लिए ऑब्लिट्रिक्स पाना आसान बना दिया। अब मुझे इनके लिए भटकना नहीं पड़ेगा। हम यहाँ तुम्हें रोकने आए हैं। इस बार तुम हारोगे। एलियन एक्स का कटेगा टैक्स। टैक्स तो मैं तुम सबका काटने वाला हूँ। वो मेरा शिकार है। तुम्हारा इस कीड़े को मैं अपना भोजन बनाऊंगी। गाइस, चलो शुरू हो जाओ। समझ के फोड़ देंगे। मैं बचाऊंगा बच्चे। बच्चा किसे कह रहे हो बच्चों? ब्लॉक्स,
ऐसा भी हो सकता है क्या? मुझे भी ये एलियन चाहिए मेरे रोटेशन में। तुम उसे हरा नहीं वाले थे। हरा तो नहीं पाया, पर हम सब मुसीबत में हैं। अब इससे कैसे बचेंगे? लकी गर्ल, हमें तुम्हारे मंत्रों की जरूरत है, कुछ करो। लकी गर्ल, पर मैं तो, एक मिनट, तुम्हारी ग्वेन जादू जानती है क्या? टाइम नहीं है, भागो यहाँ से जल्दी। इतनी कोशिशों के बाद हम उसे खरोच तक नहीं पहुँचा पाए। वो बाहुबली है और हम मूंगफली है। तुम्हारे पास घड़ी तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं, तो जाओ जाकर छीन लो उससे। 10 साल की उम्र में मैंने एक ही चीज सीखी है कि एक कोशिश के बाद हार मत मानो। 10 साल की उम्र में मैंने एक ही चीज, कितने बड़े बेवकूफ। बेंस और ग्वेन, आइडिया आ गया। सोल्यूशन हमारे सामने ही खड़ा था, लेकिन हमने आंखें खोल के देखी ही नहीं। बताते जाओ, बताते जाओ। हम भले ही बहुत सारे हैं, पर हम उससे एक एक करके लड़ रहे हैं। हमें उस पर एक साथ वार करना होगा। एक साथ, पूरी ताकत के साथ। फैमिली की तरह। अगर तुम उसका ध्यान भटका दो तो शायद मुझे मेरी घड़ी मिल जाएगी। कैसा लगा मेरा प्लान? जैसा भी हो, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई प्लान नहीं है। तीन गिनते ही सिग्नेचर लाइन, 1 2 3। ये है हीरो टाइम। फिर से अपना परिवार देखकर अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ टेनिसन्स, अगर जंग में हिस्सा लेना है तो हथियारों की जरूरत पड़ेगी। दबाओ इन्हें। वाह, ये तुम्हारे लिए बेन। मुझे बस मेरा ओमनीट्रिक्स वापस चाहिए। चलो मजा चखाए। आओ, आ जाओ। तुम सब चूहे हो। कुछ खो गया है, जानते हो क्या टाइम हुआ है? इट्स हीरो टाइम। यार कोई दूसरा एलियन चुन लेते, क्या करूं यार, हीट ब्लास्ट मेरा फेवरेट है। हाँ वो कमाल का है ना। हीरो टीम अप, हीरो टीम अप। हम हार तो नहीं रहे ना बेटा? बिल्कुल नहीं दादू, तुम ही उसकी असली ताकत हो और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। तुम हक तो वो भी हक। बेन, मैं आपका बेन नहीं हूँ। तुम सभी मेरे बेन हो। तुम सच में बहुत बड़े शैतान हो। मुझे सिर्फ जीत से मतलब है। चलो इस गोश्त का टोस्ट बनाते हैं। कोशिश करके देख लो। टीम टेनिसन। हाँ।
अलविदा कहने का वक्त आ गया मॉन्स्टर। ये तुम्हारे सूट को मैच नहीं करता चमकीले। मेरे लिए एक ही घड़ी काफी है, तो चलो इसे भी छीन लेते हैं। और अब फोर आर्म्स के चारों मुक्के तेरा हलवा बना देंगे कॉकरोच कहीं के। खेल खत्म। जीतने वाला था मैं, बस जीतने ही वाला था। बुराई कभी नहीं जीतती। इतनी सारी पावर तुम अकेले ही हजम करना चाहते थे। वो तुम भी बेनो महाघोटाला, इसकी उम्मीद नहीं थी, तभी जाना पहचाना लग रहा था। बुरी बात। बेंजामिन, ये तुम्हारा बेन नहीं है, है ना? मैं किसी का बेन नहीं हूँ। इन पागलों की तरह मैं समझ गया था कि अकेला रहना ही बेहतर है। जब मैं विलगैक से लड़ता था, मैं हमेशा जानता था कि उसे अकेले में हरा सकता हूँ, उसे घुटनों पर गिरा सकता हूँ। मेरा दद्दू और मेरी ग्वेन, मैंने उन्हें समझाया कि मैं विलगैक्स को हरा दूंगा, पर उन्हें भरोसा नहीं था। और उन्होंने इसकी कीमत भी चुकाई। तब मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और मैंने सारे ओमनीवर्स को भी साबित कर दिया था। मैंने फैसला किया था अगर मेरा सब कुछ खो गया तो हर बैन का खोना चाहिए। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बुरा हुआ और उसे बदल नहीं सकते, पर तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो अगर कोशिश करो तो। एक नया साथी, एक नई फैमिली। सच में? इसे अपने जुर्म की सजा मिलेगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि ये सुधर नहीं सकता। अगर इसकी जगह तुम होते तो क्या तुमसे प्यार करने वाले तुम्हें दूसरा मौका नहीं देते? मैं जरूर मौका देता, और अब मैं समझ भी गया हूँ। ये समझ गया हूँ कि मैं स्टाइलिश होकर मस्त लगूंगा, और दाढ़ी में भी, और ज्यादा हो गया। मेरी जगह शायद नल एंड वॉइड में ही है। ओ, ऐसी बात नहीं है। और अपने किए की सजा पाने के बाद हम एक साथ दद्दू और पोते वाला बढ़िया वक्त बिता पाएंगे, और हम साथ में ओमनिवर्स की ट्रिप भी लगाते रहेंगे। ओ मैन, सच में? फैमिली तो सबको चाहिए। मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया टीम टेनिसन। ओमनिवर्स को बचाने के लिए शुक्रिया छोटे मियाँ। हाँ छोटे दोस्त, तुम कमाल हो। तुम सबके बिना नहीं कर पाता। तुम सभी के, सही कहा, मेरे बिना नहीं कर पाते। ओ फेंको मत। मेरे बिना वो तुम सबका बैंड बजाकर दी एंड कर डालता। बाय बाय ग्वेन, तुम सच में सुपर हिट हो। ऐसे ही लड़ती रहना, हम दोनों सुपर हिट है और ऐसे ही लड़ते रहेंगे। चलो तो फिर बाद में मिलेंगे। फिर हम ना ही मिलेंगे तो अच्छा होगा। ये सब कितने कूल है। उन सबकी याद आएगी। उन्हें भी अपने घर की याद आ रही होगी। नहीं नहीं, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। देखा ना तुम दोनों के बिना मेरा क्या हाल हुआ। तो हम आकर मदद कर सकते हैं? मेरी छोटी से ब्रेन की ट्रेन के डब्बे में सब बात समा गई है कि फैमिली है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। इसीलिए तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। जब फैमिली हो साथ तो दुश्मन की क्या औकात। पनीर को पिचका दिया।